नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आज चांदी के विषय में। पवित्र और शुभ कही जाने वाली चांदी कैसे आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएगी, कैसे चांदी की सही मात्रा में प्रयोग करके आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, चांदी का कब आप प्रयोग करते हैं, चांदी को कैसे प्रयोग में सही तरीके से लाया जाता है, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके व्यापार में आई हुई मुसीबत को बिल्कुल खत्म करेगी। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम भास्कराय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। तो जब आप महसूस करें कि इस तरीके की कोई समस्या है तो इस मंत्र का सहारा जरूर लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 17 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट कर लीजिए, सुबह 10:30 से 12 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया और शुभ कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें तो आपके धन और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं दैनिक जीवन में चांदी को शुभ और मंगलकारी क्यों माना जाता है। देखिए, चांदी एक चमकदार और सफेद धातु है जो कि जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य रूप से धातु मानी जाती है। यानी आप चांदी का कड़ा पहनते हैं, चांदी की हमारी माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, पायल पहनती हैं, तो चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक दृष्टि से चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना गया है। ऐसा भी माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इसका उद्भव जो है भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था, इसलिए यह बहुत पवित्र और मंगलकारी है। ज्योतिष में चांदी का संबंध जो है चंद्रमा और शुक्र से बताया गया है। तो भाई, चांदी शरीर के जल तत्व और कफ तत्व को एकदम से नियंत्रित कर लेती है। चांदी मध्य मूल्यवान होने के कारण, यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा ये सस्ती भी नहीं है, तो चांदी मध्य मूल्यवान मानी जाती है, इसलिए प्रयोग में बहुत ज्यादा आ जाती है। और चांदी का जो है आम जिंदगी के अंदर प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। मंगलकारी और शुभ होने के कारण हम दैनिक जीवन में चांदी का दीपक, चांदी के बर्तन, तरह तरह की वस्तुएं अपने पूजा पाठ में प्रयोग में लाते रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है चांदी कि हम अगर पूजा में चांदी के बर्तन या चांदी के दिए का इस्तेमाल करें तो यह हमारे लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष अनुसार चांदी हमारे शरीर और हमारे ग्रहों पर कैसे असर डालती है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार शुद्ध चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और साथ ही साथ हमारा दिमाग भी तेज होने लगता है। शुद्ध चांदी का प्रयोग कमजोर चंद्रमा को बल देता है, चंद्रमा हमें शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है, जिससे कि हम हर कार्य में सफल होने लगते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर तनाव और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। चांदी का प्रयोग करके शुक्र को भी बलवान किया जा सकता है, क्योंकि विशेष तौर पर चांदी का संबंध शुक्र के साथ भी है। सही और शुद्ध मात्रा में चांदी का प्रयोग करें तो हमारे शरीर में जमा विष को, टॉक्सिन्स को भी ये बाहर निकाल देती है और हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, वो एकदम से ग्लो करती है, कांतिमान वो बन जाती है। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि कैसे करने हैं आपको चांदी के किस्मत चमकाने वाले अचूक उपाय। देखिए, चांदी आपके पास अवश्य होगी किसी ना किसी रूप में, चांदी के छल्ले के रूप में, कड़े के रूप में या किसी और रूप में। अब वही चांदी आपको आपके रुके हुए धन की प्राप्ति कैसे कराएगी, आइए जानते हैं। देखिए, कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, सोमवार की शाम प्रदोष काल में
शुद्ध चांदी का एक छल्ला आप अपनी कनिष्ठ का उंगली में जरूर धारण करें। ऐसा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसा करने से कुंडली का अशुभ चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। इसका प्रभाव यह होगा कि आपका मन संतुलित हो जाएगा, मन में एकाग्रता आएगी और आप जिस व्यक्ति से अपने रुके हुए धन की प्राप्ति करने जा रहे थे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका जब मन बैलेंस्ड हो जाता है, आप नपे तुले शब्दों में लोगों से बात करते हैं, तो इसका एक विशेष प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अवश्य आता है। अब आपको बताते हैं कि यही चांदी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हो तो कैसे उन्हें अच्छा कर सकती है। देखिए बहुत आसान है ये। सोमवार की शाम या शुक्रवार की शाम शुद्ध चांदी की एक चेन, चाहे वो पतली हो चाहे भारी हो, शुद्ध चांदी होनी चाहिए। बस शुद्ध चांदी की एक चेन गंगा जल से आप शुद्ध करें, चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप कर लें और अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से आपकी वाणी के विकार दूर होते हैं, कंठ आपका शुद्ध हो जाता है और जितने भी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो दिन प्रतिदिन बैलेंस होने लगते हैं, संतुलित होने लगते हैं, जिसके प्रभाव से आपकी वाणी और मन एकाग्र होने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे चांदी के प्रयोग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उन्हें जरूर अपनाइएगा। देखिए अब यही चांदी आपको अच्छी सेहत जरूर दे सकती है। आप बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं, कफ कोल्ड की समस्या, खांसी जुकाम की समस्या, हॉर्मोन्स की समस्या ने आपको घेरा हुआ है, या फिर आपके घर की माताएं बहनें बहुत जल्दी बीमार हो रही हैं, तो समझ जाइएगा कुंडली का चंद्रमा पीड़ित है। क्या करें प्रयोग के लिए? शुद्ध चांदी का एक कड़ा चंद्रमा के मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको धारण करना है, लेकिन उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, मिलावट ना हो, इस तरीके का ध्यान रखिएगा। वात, पित्त और कफ, इससे तीनों ही रोग नियंत्रित होंगे और आपका शरीर जो है दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने लगेगा। आप बहुत जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको डॉक्टर्स की दवाओं पर खर्चा नहीं करना होगा और हर तरीके से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन चांदी का कड़ा जब भी आप पहने तो शुक्रवार की शाम या सोमवार की शाम आपको यह धारण करना होगा, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई मिलावट ना हो तो यह आपके लिए बेहतर है। मित्रों ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन लोग अपना प्रश्न साझा करते हैं, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, सेहत या फिर बच्चों को लेकर। आपके मन में भी यदि इस तरीके की कोई समस्या है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न अवश्य साझा करें, आपके प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। तो पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना कुमारी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बिहार से हैं, इनकी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा, ये कोई उपाय जानना चाहती हैं। देखिए अर्चना जी, आपकी बिटिया जो है वो कन्या लग्न और मेष राशि की है, सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रस्त होने से उनका विवाह नहीं हो पा रहा या फिर विवाह की बात होकर रह जाती है। क्या करें उपाय? शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी बिटिया से भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित कराएं, साथ में एक साबुत सुपारी पर हल्दी या केसर लगाकर उन्हें अर्पित करें। यदि आपकी बिटिया गुरुवार का व्रत करे और शाम के समय देवी लक्ष्मी को पंचमेवा का भोग लगाकर छोटे बच्चों को खिलाए तो ये उनके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य को लेकर, विवाह को लेकर जितनी समस्याएं बनी हुई हैं वो बहुत जल्द खत्म होंगी। दूसरे दर्शक हैं कपिल, बहुत स्वागत है आपका, बांसवाड़ा से जुड़े हैं। पिछले 2 साल से रोजगार की परेशानी है, कर्ज बहुत हो गया है, कोई उपाय बताएं। कपिल आपका लग्न और दशम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित होने के कारण आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, लेकिन इस समय आपको धैर्य से काम लेना होगा, छोटा सा उपाय आपके कार्य को बना देगा। मंगलवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और अपने घर की साउथ वॉल को यानी दक्षिण दिशा को भारी जरूर रखें, यह छोटा सा उपाय आपके हर कार्य को बनाएगा। मित्रों अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना, ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों
यह वर्ष आपके व्यापार, नौकरी और स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष निवेश किए गए कार्यों से लाभ भी होगा, लेकिन पित्त के रोग, एसिडिटी की समस्या आपको भरपूर परेशान करेगी, तो अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। धन, सेहत और करियर की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और निर्धन लोगों की पढ़ाई में, निर्धन बच्चों की पढ़ाई में आपको मदद अवश्य करनी होगी। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए मित्रों, अब बात करते हैं सफलता के अचूक महाउपाय की। एक पका हुआ सीताफल घर के सभी सदस्य अपना दायां हाथ यानी कि राइट हैंड से स्पर्श करके ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर किसी धार्मिक स्थल पर दान कर दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताएंगे। यदि वो चेहरे की चमक को लेकर परेशान है तो बहुत सरल सा उपाय है, उबला हुआ आलू, दही और शहद समान मात्राओं में मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। सूखने के बाद इसे धोएं, आपको फायदा अवश्य होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की। चांदी के लोटे से गंगा जल आप शिवलिंग पर एक धारा के साथ अर्पित करिएगा, आप स्वस्थ बनी रहेंगी, सम्मानित बनी रहेंगी। अब बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की जो आपके व्यापार में आई हुई समस्या को खत्म करेगी। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए साबुत चावल। कैसे प्रयोग में लाएं? मात्र एक चुटकी सफेद साबुत चावल आप शिवलिंग पर प्रदोष काल में अर्पित करें, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और व्यापार में आई समस्या खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि चांदी का शुद्ध और सही तरीके से प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय आप अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।